लोग को ये काम नहीं है, इसको यूजी को, यूजी ने देखा क्या वीडियो डाला अपनी फैमिली के साथ। मैंने उसको वही बोला, यार अपने बाप को नचा रहा है, तू पागल तो नहीं है साले। फादर को नचारा, मतलब रियली फनी। खुद बदतमीजी कर रहा है वो ठीक है यार, बट बाप बाप को नचाना इज नॉट गुड। अच्छा हाँ तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ड्रेसिंग रूम अपने टीम के बस में, तो गलती से जाकर मैं अपने यूपा के सीट पर बैठ चुका था, और वहां से मैंने देखा ड्रेसिंग अपने लॉबी से यूपा आ रहे थे पूरे चश्मा वश्मा लगा के। तो यार मैं ऑलरेडी वहां पर ही थोड़ा सा ये हो चुका था कि यार ओ दैट्स द एंट्री, यार दैट्स द एंट्री ऑफ अ सुपरस्टार। मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। तो उसके बाद जब यूपा अंदर आए बस में, तो मतलब स्वैग से उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने पूछा मुझे कि भाई डू यू नो, मतलब ये पता है आपको किसका सीट है? मैंने बोला नहीं पाजी मुझे नहीं पता। तो आपने इशारा किया कि बॉस ये मेरा सीट है, तो आप कहीं और जाके बैठिए। तो मैंने बोला ठीक है। उसके पहले मुझे एक्चुअली आरपी सिंह बैठा था मेरे पास में बगल में, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये सीट पे मत बैठ खतरा है। उसने बताया नहीं मुझे किसका सीट है वैसे यार, उसने यही बताया कि यार ये सीट पे खतरा है मत बैठ यहाँ पर। बट एनीवे तो पाजी यार दैट वाज दैट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस देन एंड वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप आफ्टर दैट। एब्सोल्युटली हमने काफी कुछ मैंने तो काफी कुछ सीखा आपसे, और हमने काफी मस्ती भी की है, सब कुछ किया, साथ में खेला कूदा, यहाँ वहां गए। जी हाँ, काफी कारनामे किए आपने रोहित शर्मा मेरे। जब आप 20 साल की उम्र से इंडियन टीम में आए हैं और आप मेरे सामने बड़े हुए हैं, जी और 20 साल से लेकर 30 साल तक मैंने आपकी हर एक चीज देखी है, और मैंने उस टाइम मैंने भविष्यवाणी की थी कि इन सब जितने भी ये यंग लौंडे हैं, मेच्योर रोहित शर्मा हाँ होगा, अगर आपको याद हो याद तो। है मुझे। लकीली लकीली वो बात सही हुई आज कि वो मेचोरिटी आज सबसे ज्यादा आप में दिखती है, और आप अपनी क्रिकेट को इस लेवल से, यहाँ से, यहाँ से अलग लेवल पे जा चुके हैं। सो इट्स ग्रेट टू सी दैट। मुझे बड़ा ये अच्छा लग रहा है मतलब आप मुझे आप करके बात कर रहे हो मेरे अभी मैं साथ। इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी ठीक है यार, उसमें क्या है, मैं तो अभी बुमराह से बात कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था टाइम पास। सरदार पोछा मार रहा है घर में, इज लर्निंग, सब लोग वही कर रहे हैं भाजी यार। बट ही इज ऑल्सो अ वेरी हम्बल गाय, ही इज ऑल्सो अ वेरी सॉर्टेड गाय। भाजी आपको ये इस टीम के बारे में क्या लगता है, मतलब जब जब आप लोग खेल रहे थे और ये अभी ये टीम खेल रही है, दोनों टीम के बीच में क्या फर्क लग रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोलिए बिल्कुल, बट आई विल मतलब बी वेरी हम एज ए टीम हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या अच्छा चीज हमने किया है, क्या खराब कर रहे हैं? तो आप जब बाहर से आप अगर हमको देखते हो खेलते हुए अभी, तो आपको क्या फील होता है? सी, आई टेल यू द डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट इन दिस जनरेशन, लास्ट जनरेशन। आई हाँ फेल्ट के जब तुम लोग भी टीम में आया, या तुम्हारी जनरेशन से पहले मैं जब टीम में आया, तुम्हारे हाँ सीनियर्स वर वेरी डिसिप्लिन्ड, और हाँ ऑब्वियसली उस टाइम पर सोशल बिल्कुल मीडिया नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी, बिल्कुल सो देयर वाज अ सर्टेन बिहेवियर दैट वी बॉयज हैड टू कैरी, वॉचिंग आवर सीनियर्स हाउ दे प्ले, हाउ दे वर्क हार्ड, एंड हाउ दे एक्चुअली टॉक टू पीपल, हाउ दे टॉक टू मीडिया, करेक्ट बिकॉज दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, सो लर्न अ एब्सोल्युटली लॉट दैट वे, एंड दैट इज वॉट वी ट्राई टू डू, एंड दैट इज वॉट वी टोल्ड यू गाइज दैट यू नो दिस, इफ यू हैव टू प्ले फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, दिस सर्टन आफ्टर प्लेइंग फॉर इंडिया यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट योर इमेज। बट आई फील के ये जो तीसरी जनरेशन है ना, इसमें आई फील सीनियर सिर्फ यू एंड विराट कोहली आर देयर मोस्टली, हु आर प्लेइंग थ्री फॉर्मेट्स,
हाँ रेस्ट ऑफ द गाइज आर कमिंग इन गोइंग ये वो. सो आई जस्ट फील सिंस सोशल मीडिया हैज कम, आई जस्ट फील दैट दे आर वेरी लेस गाइज टू लुक अप टू. हाँ एंड आई फील दैट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड सीनियर्स टू से समथिंग, और दैट रिस्पेक्ट ऑफ यू नो हाउ दीज प्लेयर्स हैव बिकम ग्रेट, लाइक दिस बिकम अ थिन लाइन नाउ कि हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं अब. समझ गया समझ गया. तो आई थिंक जूनियर्स अब यू नो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द पार्टी सीन, लाइक यू नो इंसिडेंट दैट हैपेंड विद केएल हार्दिक, ये चीजें हमारे टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पर होंगी, बिकॉज हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल सही हमें पता बात था कि हम आज गलती करेंगे तो हमारा सीनियर हमें बोलेगा यार यार ऐसे मत करो, दिस इज नॉट नाइस. सो आई फेल्ट हाँ. तो के ये डिफरेंस आप बता रहे हो कि अभी नहीं है वैसा, अभी कम आई है. फील माहौल वैसा नहीं है. आई फील कि लड़के दे डू व्हाट दे वांट टू, यू नो थोड़े सक्सेस के बाद अब क्या हो गया है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट आल्सो बिकॉज एट यंग एज यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो बिग, करेक्ट 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 स्टार्टिंग यार. ऑफ द करियर दे नॉट इवन प्लेइंग फॉर इंडिया, दे गेटिंग सच बिग कॉन्ट्रैक्ट, सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द मनी, सो हाँ दे यार इजिली डिस्ट्रैक्टेड. सो यू नीड सीनियर्स, यू नीड कोचेज, यू नीड you guys have to talk to the youngsters and explain to them what is more important, playing for your country and you know working hard on the field, and then all these things follow. Because Tendulkar always told me that performance, if you perform on the field, everything will follow. बिल्कुल, So I ये think तो the बॉटम लाइन और बिल्कुल. मैं क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था, वहां पर मैं देख रहा था लड़के, दे डोंट वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, अपनी स्टेट के लिए 4 डे नहीं खेलना चाहते हैं, दे हैप्पी प्लेइंग वन डे क्रिकेट बिकॉज ऑफ आईपीएल. सो गाइज दे एक्सेप्ट यू गाइज, आई डोंट थिंक द सेकेंड जनरेशन रियली वॉन्ट्स टू प्ले टेस्ट, एंड टेस्ट क्रिकेट इज द रियल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर. सो आई वर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन टू टेल देम दीज थिंग्स. आई फील नो, एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक व्हाट डू यू थिंक. हमारा भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं भी जब टीम में जब आया था तो आप लोग थे सब. और यहाँ राइट साइड में देखो तो चार पांच सीनियर प्लेयर, लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे भी सीनियर प्लेयर. मेरे साथ खेला हुआ सिर्फ मेरे साथ खेले हुए लड़के एक या दो ही थे उस टाइम पे. पीयूष था एक, और सुरेश सुरेश था, और बस बाकी सब सीनियर्स थे. अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सा माहौल एकदम थोड़ा सा लाइट है. बट आई थिंक ये चीज हम कर सकते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके लोगों से बात करूँ. जैसे मैं पंत ऋषभ से ज्यादा बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. अभी उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया था लेटली. अभी वो 20-21 साल का है, उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया, वो परेशान हो गया. मीडिया को एग्जैक्टली हमारे लगता है कि ये आई मीन इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब टू राइट एनीथिंग, बट दे इफ दे राइट सेंसिबली, दे राइट बिफोर यू नो राइटिंग एनीथिंग, दे शुड थिंक व्हाट दे आर राइटिंग. तो आई थिंक इट विल प्ले अ ह्यूज पार्ट. बट सो एब्सोल्युटली आई थिंक एब्सोल्युटली वही ऋषभ हो गया अभी. और भी 5-6 लोग हैं, उनसे रेगुलर मैं बात करता हूँ ये सब चीज के बारे में कि आई मीन दिस विल बी देयर एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. क्रिटिसिज्म रहेगा, लोगों का नजर होगा, ये सब होगा. तो आई क्रिटिसिज्म थिंक भी, और आई जस्ट वांट टू पुट अ पॉइंट, ये जो लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं इनकी भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो हैव फेथ इन द यंग प्लेयर्स. लाइक एक मैच खराब होता है, ये लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट हाँ क्रिटिसाइजिंग. ये बात है. सो आई अरे थिंक आवर भाई जो पब्लिक ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स आर क्रिकेटर्स और एक्टर्स और मिनिस्टर्स के, यार एवरीबडी ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, एक भी गलती होती है सब लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं. सो लोगों की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मीडिया की है, आई फील. हाँ बिल्कुल, ये हमारी जनता थोड़ी सी, दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे शुड बी मोर पेशेंट विथ एवरीथिंग इन लाइफ, नॉट एग्जैक्टली नॉट इन योर होम बट इवन व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग बी पेशेंट. और ये जो जब इंडिया की टीम खेलती है, अगर एक एक बंदा खराब करता है, एक बंदा अच्छा करता है, तो ये नहीं, ये शुरू मत कर दो तुरंत सोशल मीडिया पकड़ गए कि इसको पकड़ लिया, उसको उड़ा दिया, ये कर दिया खराब चीज में. पॉजिटिविटी फैलाओ यार. हमारे
हमारे को पॉजिटिविटी की जरूरत है बहुत, अभी आने वाले कुछ एग्जैक्टली समय में तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, उसको एक हथियार की तरह यूज करो अच्छे चीज के लिए। नहीं, और बिग एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान गेम. यू नो एवरीबडी गेट्स पर्सनल अबाउट द कंट्री, बट द पॉइंट इज यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स. हाँ, हंड्रेड एवरीबडी इज परसेंट गिविंग 100% ऑन द फील्ड, टू विन द लाइक ऑल द गेम। प्लेयर्स. ओनली वन टीम इज गोइंग टू विन. समटाइम्स द ऑपोजिशन गोना विन, समटाइम्स यू गोना विन. 101%। ऑब्वियसली यू नो इंडियन टीम हैज वन मोस्ट ऑफ द चैंपियनशिप बिकॉज वी हैव हैंडल्ड प्रेशर इन अ बैड सिचुएशन, वट एवर द रीजन इज. और पाकिस्तान इन द अर्लियर डेकेड वॉज मच बेटर टीम हु डिड द सेम थिंग. So I just feel that या our people of a country from both sides should be more, you know, a little have more patience towards their players, I feel. बिल्कुल, आई थिंक हाँ ये बात जरूरी है। और ये बात हम भी जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये बात हम लोगों के सामने लाके रखे कि जितना हो सके अच्छे चीजों के बारे में बात करो। हमें भी पता है कि यार आप चाहते हो कि टीम जीते, बट हमें पता है हम पूरी कोशिश करते हैं वो जीतने की, बट यार सामने भी टीम खेल रही है वो भी जीतने की कोशिश करेगी। कभी कभी हार होगा, कभी जीत होगा, तो वो तो चलता रहता है। बट यू शुडन्ट थिंक कि ये खराब खेल रहा है यार, ये फॉर्म में नहीं है, इसको भगाओ, ये करो वो करो, वो सब नहीं होना चाहिए। जस्ट लेट द अथॉरिटीज डू देयर जॉब इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड यू गाइस जस्ट एंजॉय द क्रिकेट। यार क्या है उसमें, क्या है, हारे हारे तो, बट हमारी टीम जीत भी उतनी रही है, उससे ज्यादा जीत रही है एक्चुअली। बट नहीं, एब्सोल्युटली. आई मीन स्पीकिंग पाजी, आपका पर्सनल जो करियर रहा है इतना, द टू मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ योर करियर, विच इन माई आईज इज द टू वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड कप, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन, 2007 T20 वर्ल्ड कप, एंड आई नो वॉट काइंड ऑफ फॉर्म यू आर इन। वो फॉर्म जो आपका था, मतलब वो माइंडसेट जो आपका था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था हमको अंदर से देख के कि आप कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन, कोई भी टीम हो, उसको आप उड़ा दोगे। वैसा हमको अंदर से फील आता था कि जब भी आप बैटिंग को जाते थे, क्योंकि जो भी आपने छक्के मारे, जितने भी रन बनाए उस टूर्नामेंट में, वो हमारे को देख के बाहर से वैसा लग रहा था। उसके पहले भी जब आयरलैंड से हमारा सीरीज था, जो मेरा फर्स्ट सीरीज था, उसमें आप मैन ऑफ द सीरीज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से मैंने देखा, वहां से लेके T20 वर्ल्ड कप तक, इनफैक्ट उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे इंडिया में, आपने फर्स्ट मैच में ही 130 कुछ बनाया था हैदराबाद में, आई सेकेंड थिंक सेकेंड वो हारे थे हम, लेकिन है ना। पर वो माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट एक्चुअली कुछ समय तक मेरे पास भी वैसा फॉर्म था, अभी वर्ल्ड कप को लेकर और उसके पहले भी। तो वो फॉर्म, वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट के बारे में मैं बात करता हूँ, ये ऋषभ हो गया या मनीष पांडे, ये लोग, ये तीन चार लोग हैं, उनसे मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ कि वो माइंडसेट लाना बहुत जरूरी है। कि अंदर से तुमको लगना चाहिए कि भाई ये मेरा दिन है और मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे खेल सकता हूँ और अपने आप को बैक करूंगा। आई एम श्योर आप भी उस टाइम पे वैसे ही सोच रहे होंगे। डेफिनेटली. आई जस्ट फील के ये जो माइंड सेट वट यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आई डोंट नो, ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट पर्सन टू, वेन यू टॉक अबाउट हिटिंग हिटिंग बिग हिट्स, प्रॉब्ली यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट एट द मोमेंट. बट आई फील कि उस जोन में आने के लिए, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन गेम्स. यस लाइक आई फेल्ट हाँ के लाइक यू नीड टू हैव दैट एक्सपीरियंस. लाइक अभी क्या होता है कि हम ये ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ और केएल तो चलो काफी देर से खेल चुका है, और प्रॉब्ली अभी शुभमन गिल आएगा अगर टीम में, या कोई भी आएगा, हम उनसे एक्सपेक्ट श्रेयस करेंगे अय्यर ये है, आते ही तुम्हारी अय्यर है, ये तुम्हारी तरह, या तो वो नहीं होगा हाँ बिकॉज ये है have learned early, but I feel के it has to be over the time where they play certain amount of games, then they fail, they go and play domestic cricket, they come back,
and they play a number of games, and with their experience, when they have few knocks like that, they get into that zone where they know कि आप बड़ी इनिंग कैसे बनानी है. लाइक यू एंड विराट प्रॉब्ली नो हाउ टू कन्वर्ट 60s इनटू 100s. जी लाइक इनिशियली आई फील विद लॉट ऑफ यंगर गाइज वो नहीं होगा, बिकॉज वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी. सो आई फील के वेन एवर दे आर नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, दे शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, और दे शुड बी प्लेइंग एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट वेयर दे कीप ऑन गेटिंग मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स एंड गेटिंग इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑन डिफरेंट विकेट्स. हाँ बिल्कुल So, because with you, for example, when you were playing in middle order, you had some exceptional innings of 70s, 80, 90 not हाँ out, 65 not out. तो वो कहते हैं वहां रोहित बड़ा अच्छा खेला, बट अब वही गेम तूने ओपन करके इट्स लाइक 200 नॉट आउट एंड 260 एंड 200 एंड 150. सो यू हैव टेकन योर गेम टू द नेक्स्ट लेवल. सो दैट इज हैपेंड आफ्टर यू 7-8 years ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट. हाँ बिल्कुल. तो मैं इसीलिए वो जो 7-8 years एंड आई डोंट वांट दीज गाइस टू लूज दैट 7-8 years, व्हिच इज व्हाई आई कीप टॉकिंग टू देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि बॉस अगर अभी तुम टीम में आए हो 1 साल पहले तो ये सब चीज समझने की कोशिश अभी करो. ये सब चीज अगर अभी से सीखोगे कि हाँ मुझे पता है एक्सपीरियंस से मिलता है, बट ट्राई एंड मेक श्योर दैट एवरी इनिंग यू प्ले शुड बी योर लास्ट इनिंग ऑफ योर करियर. आई थिंक लाइक दैट. एग्जैक्टली हाँ वो डेफिनेटली. थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने आने की जरूरत है. वो आई थिंक धीरे धीरे मेरे हिसाब से आ जाएगा. और इस और क्या कह रहा है. नहीं भाजी वो मैं आपके मतलब पूछने वाला था कि घर में सब ठीक है हेजल. यस, लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस. एवरीबॉडी इज गुड एट होम. व्हाट अबाउट यू? एवरीबॉडी इज गुड एट होम टू. हाउ इज समारा? समाया इज गुड. शी इज प्लेइंग इन अनदर रूम देयर. उस तरफ है वो खेल रही है अभी. अभी खाना खा नहीं, के थोड़ी देर में सो जाएगी. आई थिंक कोरोना वायरस के टाइम पर आई फील के जो मैं दिल्ली में लेके जो फील आ रही है, थोड़े लोग ना थोड़ी हल्के हो रहे हैं अभी थोड़ा सा पेशेंस तेज जा धीरे. रही है. दैट बिकॉज जो लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं या जिनके छोटे घर हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल है. तो हाँ आई जस्ट फील के इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू और मी टेल देम, गिव देम अ मैसेज कि यार इट्स अ मैटर ऑफ 1 week. यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 1 week. बट इट्स या इम्पोर्टेंट कि सॉरी. यही है कि वी आई मीन इफ इट्स वेरी सिंपल. इफ यू वांट टू गो एंड लिव आवर लाइफ एंड वी वांट एवरीथिंग टू बी बैक एज 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 इट वाज बिफोर, वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन दिस नेक्स्ट व्हाट एवर डेज आवर गवर्नमेंट इज आस्किंग अस टू बी. नाउ इट्स एग्जैक्टली. 14th अप्रैल एंड उसके बाद भी जो भी डिसीजन होगा आई थिंक वी जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू नो ओबे द गाइडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. एज सिंपल एज दैट. उसके बाद ही हम नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे, अदरवाइज घर में ही बैठना पड़ेगा. ये लोगों को समझना जरूरी है. आई थिंक वहाँ उस दिन हम जब बात कर रहे थे लाइव कॉन्फ्रेंस पे उस आई मीन अजय ठाकुर ने अच्छा पॉइंट बताया था कि कुछ कुछ जगहों पर फोन और टीवी और वो सब नहीं है, तो वहाँ पर लोग बाहर जाके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो आई थिंक वो एक इश्यू सॉल्व हो जाए तो आई थिंक बढ़िया रहेगा. आई थिंक धीरे धीरे इस बात की लोग पीपल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल आर सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर. और देर उनको ये आइडिया होना चाहिए कि यार मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए. लाइक ड्रिंक अ लॉट ऑफ हॉट वाटर, हैव विटामिन सी एवरी डे, और खाने में वो चीजें होनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम बेटर हो. तो आई थिंक लोगों को रादर देन अदर्स अपने आप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जी बिल्कुल. इट्स लाइक वोटिंग कि आज को अगर आज मैंने एक वोट नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, पर अगर 5 लाख लोग ऐसे सोचेंगे तो 5 लाख वोट गए. सो आई फील इंडिविजुअली हमको खुद को वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स इन सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडीज, एंड इट शुड हाँ द मैसेज विल स्प्रेड. पेशेंस. या व्हाट इज मिस्टर नेहरा डूइंग? आशीष नेहरा, डिड यू स्पीक टू हिम? मिस्टर नेहरा इज स्ट्रगलिंग टू स्टे एट होम. एवरी थर्ड फोर्थ डे ही आई इज थिंक
Running in his vicinity and coming back. According to me, I think he will be the one who will be hating this lockdown the most. He is, but he's lucky that वो एक गोवा में एक सोसाइटी में है जहां पर वो घर के बाहर वॉक कर सकता है, जहां वो उसकी सोसाइटी में इतने लोग नहीं रहते और वहां पर इट्स मोस्टली एम्प्टी बिकॉज रेंटेड एरियाज है. तो आई बिल्कुल थिंक इज बिल्कुल. लकी के वो ऐसी जगह पर रह रहा है. बॉम्बे में यार, बॉम्बे में मुश्किल है. Brother man, I have a question for you. Oh yes, Let of course. I want to see how good is your memory. How good is your memory? Oh, अच्छा. Are you चलो ready? ठीक. I have 10 questions for you, and for every answer you have 10 seconds. अच्छा ठीक है. Ready? Yes. On what date did you play your last test match? 2019. Date. डेट डेट एंड ओ मंथ. अक्टूबर बांग्लादेश के साथ यार. अक्टूबर अभी पाजी यार, डेट याद नहीं है मेरे को. 10, 9, 8, 7. पाजी पिंक टेस्ट मैच ही था लास्ट. नाइन्थ 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 था मेरे ख्याल से. 9th अक्टूबर, 6th अक्टूबर. 6, 5, 4, पाजी यार. 2, 1. अक्टूबर तो है. 22nd November. 22nd नवंबर. बहुत यार. क्या चलो यू गॉट तो 9 पाजी मोर कोई बात नहीं, क्वेश्चंस. मैं भी कुछ बनाता हूँ आपके लिए अभी 10 मिनट. बनाओ बनाओ बनाओ, पहले ये तो आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूँ. अभी तो हाँ अंधा बताओ है. ना. 1 बजे. एट द एज ऑफ 32 हाउ मेनी टेस्ट मैचेस हैव यू प्लेड? फक. यू कांट. No, it's okay. It's okay. 32. 10, 9, अरे 8. अच्छा आंसर कर दिया तूने. 32 बोला ना मैंने. वो तो ना अपनी उम्र बोली है, टेस्ट मैचेस पूछ रहा हूं मैं. ओ यार, 34. 34 है ना. 34. 34. 4, 3. 34 या 35 यार पाजी यार. One. At the age of 32, you have played 32 test matches, my man. तो बोलो पहले 32 ही बोला मैंने यार. You say, I asked you, did you say age? And you were like, you started thinking. नहीं नहीं पाजी, आप ऐसे नहीं बोल सकते यार. You can't confuse like that. मैंने 32 बोला, फिर बाद में आपने बोला. मैंने you पूछा started counting. Age. I said age. See? Twist question. Age, age, चलो इसके मार्क्स बाद में देते हैं. थर्ड क्वेश्चन. हाँ. हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स हैव यू टेकन? क्या है यार भाई नंबर्स यार, इट्स वेरी बैड. बट आई थिंक आई ओनली हैव वन टेस्ट विकेट. 10, 9. भाई आपको बोलना चाहिए सही है या गलत यार. गलत है तभी तो ये काउंटर दे रहा हूँ. सही होता तो सही बोल देता ना. दो है. दो दो. Yes, brother man. Okay. Question number 4. How many ODI wickets do you have? 8. Oh, right answer. You got 3. भाई यार ये नंबर्स वंबर्स का क्यों कर रहे हो आप? कुछ अच्छा करना चाहिए था यार. अरे बैटिंग का पूछोगा तो पट से बता देगा ना तू. नहीं बैटिंग के क्या, अभी एग्जैक्ट, अभी आप मेरे को पूछो एग्जैक्ट रन कितने हुए तेरे टोटल. मुझे नहीं पता यार. तो ये तो फिर पता होना चाहिए ना अपने बारे में. भाई आप बताओ. पूछ ले. अच्छा रुक पूछो जा, आप. पहले मुझे खत्म करने दे. पहले मुझे खत्म करने दे. Why are you laughing? You have 3 pet names. People know you by 3 pet names. What are those 3 pet names? I have 3 pet names. One is Ro Hitman Shana. Hey, nice man. शाना वो किसने दिया वो भी बता दो यार. तो 6 में से 4 जहीर खान ने नाम दिया तेरे को शाना. तेरा छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर्स? 175. 10, 178. 8, 7, 6, 5, 182. 4, 3. ये पब्लिक से पूछ लो. रोहित शर्मा की हाइट कितनी सेंटीमीटर बताओ.
रजेश लोग सूखता कौन, रजेश किसको पूछा आपने? को, ये बस लो हंसने को है, ये हिटमैन हिटमैन करे जा रहे हैं। 5 4 3 2 गूगल ना अरे कर। गूगल नहीं कर रहा पाजी, योर हाइट मनी। इज 173 सेंटीमीटर्स। नहीं, ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। किसने दिया आपको भाई इसका आंसर? ये मैंने विकिपीडिया से लिया। नहीं पाजी गलत है, इट्स रॉन्ग। चलो तुझे कौन सा पता विकिपीडिया का भी ऑफिस बंद होगा पाजी अभी 2-3 महीने से। हाँ था? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 सितंबर 2015 यू ज्वाइन द एंटी पोचिंग कैंपेन फॉर राइनोज। हु आर द टू अदर इंटरनेशनल एक्टर्स हु ज्वाइन दैट कैंपेन टू? सलमा हायक एंड मैटली ब्लॉन्ग। ओह ब्रदर मैन, गुड आंसर। हाउ मेनी आईपीएल रन हैव यू स्कोर्ड? अरे पाजी नंबर्स एक्स्ट्रा है यार। आई नो इट्स समवेयर 4800 समथिंग, 4873 और ऐसे कुछ तो है पाजी यार। मतलब इसके पाजी नंबर, ये इसका इसका तुझे मुझे पॉइंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए बता मुझे। फोर यार मैंने दो, मुझे पता है 400 थाउजेंड 4800 समथिंग है। 4800 इज देयर, बट दैट अदर देयर टू मोर डिजिट्स टू इट। व्हाट? तो देयर टू मोर डिजिट्स टू इट। फोर मेरे थाउजेंड को पॉइंट देना एट पड़ेगा ना हंड्रेड आधा तो आपको यार। 48 समथिंग है यार, 48 सब लोग अभी मैसेज कर। कोई शो में होता ना अभी तक तू बाहर हो गया होता। 4898 898। अच्छा अच्छा। नाइन्थ क्वेश्चन इज हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोर एंड अगेंस्ट हु? हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोर, फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए? वो भी तो बताओ यार, ऐसे कैसे? फर्स्ट क्लास लिस्ट है नहीं, 309 अगेंस्ट। गुजरात। गुजरात गुड आंसर ब्रदर मैन। अच्छा यू गॉट एंगेज ऑन व्हाट डेट? रितिका सुन रही है? रितिका सा क्या 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 वी गॉट व्हाट? आई होप रितिका, ऑन व्हाट डेट डिड यू गेट एंगेज्ड? 2nd June। सेकेंड जून को हमारा एंगेजमेंट, ऑफिशियल एंगेजमेंट था, और 29th को मैंने उसको प्रपोज किया था। अच्छा तो अप्रैल में नहीं की थी एंगेजमेंट क्या? नहीं पाजी गलत है वो, जो भी अच्छा गलत ये आ गलत, रहा है यार ये इसमें, ये विकिपीडिया में बोल रहा हूँ आपको, ऑफिस बंद है उनका, उनको इंफॉर्मेशन बराबर नहीं आ रहा है उनके चलो पास यू तो। गॉट 5 out of 10, नॉट बैड। अरे यार पाजी, बट दिस नंबर्स गेम यार। एक नंबर पूछा तेरे को मैंने और तेरी हाइट के बारे में पूछा मैंने। हाइट गलत है, 178 सेंटीमीटर है एक्चुअली, इफ यू डू इट नाउ, और थोड़ा सा जब बाल बढ़ेगा तो 179 तक जाता है। यार फनी मैन। चलिए यार पाजी, मैंने अभी आपके लिए बनाया नहीं यार ये यार, बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज जानना है बस, व्हाट डेट डिड यू मीट हेजल बस। व्हाट डिड आई मेट नहीं हर? नहीं 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 नहीं, यू कांट डू दैट, यू कांट आस्क बता हर रहा हूं, यार। बता रहा हूं हाँ मैं। आई मेट हर ऑन 28th December 2000 एंड इतना इतना 11 यार, 2011 2011 दैट आई हैव टू चेक विद हेजल। प्लीज चेक विद हर, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ओह वेरी गुड पाजी, बट यार शिट यार, मुझे नहीं पता था आप मेरे को सवाल जवाब करने वाले हो, नहीं तो मैं भी कर मैंने लेता तेरे को यार। बोला था आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। बट आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस, तो मुझे लगा ऐसे आपस में ही वो होगा, आपके लिए भी बना था अच्छा खासा यार। इट्स ओके, अभी एक हफ्ता है, वी कैन टॉक अगेन, नो प्रॉब्लम। ज्यादा है मेरे ख्याल से तो। चलो एनीवे बट इट वॉज गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। कौन सा मूवी देख रहे हो पाजी अभी? मैं मनी हाइस्ट देख रहा हूं। ओए
यार मेरे को भी नव सीजन 4 देखना है, बट मेरी बीवी ने अभी तक देखा नहीं, तो हम लोग सीजन 1 से देख रहे हैं अभी। इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. आई नो वॉच ओजार्क, वेरी गुड. ओजार्क है लिस्ट में है मेरे अभी, वो सब पाजी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। जो भी कुछ भी देखना मुझे बोल दे, मैंने सब कुछ देख लिया है. बज्जूबा ठीक है? बज्जूबा आपसे भी बात करूंगा इंस्टाग्राम लाइव पे। हाँ यू हैव अ लाफ. बज्जूबा को पकड़ूंगा अभी नेक्स्ट। बज्जूबा को पहला सवाल तो यही पूछने वाला हूँ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, खत्म। बज्जू भाई ने चेन्नई ही बोलना है, बज्जू भाई और कुछ बोल नहीं सकते. बज्जू भाई चेन्नई बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, फंस जाएंगे चेन्नई मुंबई के बीच में. मैं अपने मुंबई इंडियंस के ओनर्स को भी लाइव रखूंगा साइड में। वो बोल देगा दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है. नहीं, उनको बोलूंगा एक ही चॉइस है बच्चू का आपके पास, बस एक ही चॉइस है. चलो पाजी फिर मुलाकात करते, सी यू सून ब्रदर मैन, सी यू सून, टेक केयर, टेक केयर, से हाय टू द फैमिली, बाय ऋतिका इज मार्लो। कमिंग बैक. ओ बाय ऋतिका, सी यू सून पाजी, सी यू, टेक बाय केयर, बाय बाय। बाय.